पिछले एपिसोड में आपने देखा आर्यन तक्षक से मिलता है, अब जल्दी से मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो। तुम रक्षक कैसे बने? मेरा मतलब है महारक्षक। जो किसी जमाने में त्रिलोकी का ही जासूस हुआ करता था, तक्षक की बातों में आर्यन को ना जाने क्या विश्वास नजर आता है और वो तक्षक को अपने रक्षक बनने की कहानी सुनाता है। तक्षक आर्यन की बहादुरी, सच्चाई और निष्ठा के कारनामे सुनकर प्रभावित होता है, लेकिन उसका मानना है कि आर्यन सिर्फ इस सब से त्रिलोकी का सामना नहीं कर सकता, उसे एक खास हथियार की जरूरत पड़ेगी जो तक्षक के पास है। और तक्षक मान लेता है कि आर्यन वाकई महारक्षक कहलाने के योग्य है और वो हथियार और मणि आर्यन को दे देता है। जितना प्रयोग करोगे उतनी इसकी क्षमता कम होती जाएगी। अब आगे अभी तक कोई खबर नहीं आई तुम्हारे सरकार की। उनकी नजर में तुम सब की कीमत 1 करोड़ भी नहीं है, पर हमारा वक्त बहुत कीमती है। 3 मिनट बस, एक एक करके तुम सब मेरे गोली का निशाना बनोगे। अरे वो तो ठीक है बॉस, लेकिन ये 3 मिनट हम लोग गुजारेंगे कैसे? चलो तुम्हारे वक्त गुजारने का इंतजाम करते हैं। इन बच्चों से ही पूछते हैं कि उन्होंने म्यूजियम में क्या देखा और क्या सीखा। तुम चलो बोलो। हमने इस म्यूजियम में एक महाकाल त्रिशूल के बारे में सुना। वो क्या खासियत है इसकी? हमारे टीचर ने बताया चारु देव ने अपनी पहली उंगली काट के इसे बनाया। देवों को जो त्रिशूल मार सकता है ये वही त्रिशूल है। ये गाने के लिए तो तालियां बजनी चाहिए। अरे बजा। नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें और ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं। देखो हमने उस टीचर को जाने दिया है, अब हमारी सीधाई का तुम लोग गलत फायदा मत उठाओ। जल्दी बताओ कि तुम कार और पैसे लेकर के कब आ रहे हो, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं। तो ले आवाज सुन, चला दबा दे इस लड़की का। मत मारो उसे, प्लीज छोड़ दो उसे। चुप, कोई आवाज नहीं करेगा। अरे यार अभी तो बची थी, फिर कहां से बजने लगी? अबे मुंह क्या देख रहा मेरा, जाके बंद करा। जी बॉस। दो गया तेरा नाटक, ये जल्दी से अपना घूंघट हटा, मैं ये लड़की तो गई।
हे नरक नरसिम्हा, शायद हमने हर बार अपने राक्षस को चुनने में गलती की। अब इस बार हमें बहुत सोच समझ कर अपना योद्धा चुनना होगा। तो एक बात बताओ काल, कुंभा को किसने मारा? आर्यन ने पाताल पुरुष। और विश्वकन्या को किसने नष्ट किया? आर्यन ने ही दाता। चला लोह पुत्र, मूर्तिका, अक्सा और स्वर्णखा, इन सबको किसने हराया? महारक्षक आर्यन ने। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं नाथ? वो ऐसा कौन है या फिर हो सकता है जो मणि के उस रक्षक आर्यन को हरा सकेगा? वो है आर्यन खुद। हम अभी तक कामयाब नहीं हुए क्योंकि हमारे सभी योद्धा कुछ अलग नहीं कर पाए, कुछ भी नया नहीं सोच पाए वो। लेकिन अब हमें कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिसकी उस रक्षक आर्यन ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बेमिसाल चाल, असीम। पर वो तो बस शरारती है, उछल कूद करने वाला। वो हमारे दैत्यों से शक्तिशाली कैसे हो सकता है? बदले की आग और युगों से तन्हाई में कैद से आया चिड़चिड़ापन, ये दोनों जज्बात जब आपस में मिल जाते हैं तो बड़े खतरनाक परिणाम को जन्म देते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। ये तुम्हें असीम से मिलकर ही पता चलेगा काल। अगर उसे आजाद करोगे तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, और फिर आर्यन खुद आर्यन को हराएगा। कोई बात नहीं आर्यन, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम काफी तरक्की कर चुके हो, अब बस आज के लिए इतने। नहीं मियाँ की, मुझे म्यूजियम में जरा तेज और फुर्तीला होना चाहिए था। मुझे और कोशिश करनी होगी और मेहनत करनी होगी। देखा, मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की, इसलिए जल्दी इंप्रूव हो गया। ये सब कुछ सिर्फ कोशिश से नहीं हो रहा है आर्यन। अच्छे कर्म, पवित्र विचार और इच्छा शक्ति जब साथ हो तो कामयाबी मिलती ही है। महारक्षक का धर्म है कि अच्छा काम करता रहे। तुम जितना अच्छा काम करोगे तुम्हारी शक्तियां भी उतनी ही बढ़ती जाएंगी आर्यन। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। जब मियाकी तुम्हें विश्राम करने को कहे तो विश्राम करो, क्योंकि गुरु ही तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी शक्ति को अच्छी तरह पहचानते हैं। एक बात पूछो आपसे, आपके भी तो गुरु हैं जिन्होंने आप सबको इतना शक्तिशाली योद्धा बनाया। ये तो संयोग ही है आर्यन कि तुमने ये प्रश्न पूछा। हमारे गुरु आज यहीं पर हैं और तुमसे मिलना भी चाहते हैं। सबसे बड़े धनुर्धर और युद्ध कला के ज्ञानी, हमारे मित्र और गुरु भी, चारुदेव। के कर्मों से काफी प्रसन्न हूं। युद्ध शास्त्र के देवताओं के रूप में मैं केवल देवलोक के देवताओं को ही ज्ञान दे सकता हूं। मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में नहीं सिखा सकता, किंतु तुमने अब तक बहुत सारे लोगों के प्राण बचाए हैं। तुम्हारे यही पुण्य कर्म तुम्हें बाकी रक्षकों से ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा। मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूं। लेकिन आपकी उस उंगली को क्या हुआ?
ज्यादा प्रश्न मत पूछो। सॉरी, माफ कीजिएगा। कल रात तुमने कई सारे लोगों के प्राण बचाए, तुमने मियाकी को बिना बताए निर्णय लिया और उन्हें बचाने चले गए, यहां तक कि अपने प्राण भी संकट में डाल दिए थे। लेकिन मेरा मानना है कि तुमने जो भी किया सही किया, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी भेंट दे रहा हूं जो आज तक मैंने किसी रक्षक को नहीं दिया, वायु पर नियंत्रण करने की और उसकी दिशा मोड़ने की शक्ति। ऐसे ही है। वैसे नई शक्ति के लिए बधाई हो आर्यन, अब तुम एकमात्र ऐसे रक्षक हो जो हवा पर नियंत्रण रखोगे, उसे शस्त्र बनाकर उसका उपयोग करोगे। पर चारुदेव की वो फिंगर, अब आई मीन उंगली, वो क्यों कटी हुई थी? उसके पीछे की क्या कहानी है? चारुदेव, उनका इतिहास उनके पुत्र की कहानी। कौन है वो और कहाँ है? मियाकी, तुम आर्यन को चारुदेव की कहानी बता दो। मैं तुम्हें जल्दी से कहानी बता देती हूँ आर्यन, उसके बाद तुम्हें रेडियो स्टेशन भी तो जाना है। एक बात तो है, इंसानों में जो विलेंस है उन्हें टैकल करना बहुत इजी है, लेकिन त्रिलोकी जो विलेंस भेजता है वो एक से बढ़कर एक खतरनाक होते हैं। पता नहीं इस बार वो किसे भेज रहा है। देखा आपने, हमसे कोई मिलने आया है। अब तो शिकार से थोड़ी फुर्सत निकालो दूसरों के लिए। अब मेहमान को मैं क्या खिलाऊंगी, कुछ है भी नहीं हमारे पास। आपके शिकार में तो कुछ आया ही नहीं अब तक। आप मुझे घटिया शिकारी समझती है क्या? एक से बढ़कर एक खूंखार जानवर को मारकर उनके सर को घर की दीवारों पे चुनवा दिया है। डैड, आप घटिया शिकारी ही है। अच्छे शिकारी होते तो शेर के बदले मुझे नहीं मार डालते, और जब शेर ने मम्मी पे हमला किया तो अब चुपचाप खड़े नहीं रहते। जिनकी रक्षा करनी थी उन्हीं को मौत के पंजे में डाल दिया। आपको असीम से क्या काम है? मुझे नरक नरसिम्हा त्रिलोकी ने भेजा है। मैं असीम के लिए प्रस्ताव लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर असीम नाचने लगेगा। उससे जाकर कहो कि अगर वो आर्यन से मणि ले आता है तो त्रिलोकी महाराज उसे पृथ्वी पर रहने की अनुमति देंगे, और जब त्रिलोकी महाराज को सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी तो वो असीम को समस्त ब्रह्मांड के किसी भी लोक में कहीं भी आने जाने दे सकते हैं, कुछ भी करने की, खेलने कूदने की, शरारत मस्खरापन करने की अनुमति दे सकते। सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, असीम को मजा आ जाएगा। बहुत सारे मजा लेने के बाद भी असीम ऊब सकता है, थक सकता है। तुम्हारे प्रस्ताव में कुछ खास नहीं है। तो फिर ये कैसा रहेगा? तुम केवल
24 घंटे के अंदर देवलोक पहुंच जाओगे और वहां जाकर उसे मार सकते हो, उसे खत्म कर सकते हो। किसे मार सकता हूं? ओ, तो तुम्हारे अंदर ये कला है, तो तुम किसी का भी रूप ले सकते हो, किसी भी वस्तु या जीव का। असी नाम एक चेहरे यानी मैं किसी भी जीव या वस्तु का रूप ले सकता, और मुझे लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं आर्यन का रूप ले लूं और आर्यन के खिलाफ आर्यन को ही खड़ा कर दूं। हाँ, और जिसके बदले में मैं देवलोक में किसे मार सकता हूं, बोलो किसे मार सकता हूँ मैं? पाताल पुरुष त्रिलोकी महाराज ने मुझे सिर्फ इतना ही बताने के लिए कहा कि असीम स्वर्ग लोक में जाकर उसे मार सकता है। कि अब त्रिशूल का पता चल गया है, तुम तो जानते ही होगे उन्होंने किस बारे में कहा है। चारुदेव। चारुदेव, लेकिन तुम उन्हें क्यों मारना चाहते हो? बहुत बड़ा गुनाह किया है चारुदेव ने, बहुत बड़ा गुनाह। 100 असुरों को जो अकेला मार दे वो चारुदेव, वह एक नागा स्त्री से प्यार कर बैठा और उन दोनों के असीमित प्यार की निशानी पैदा हुआ उनका पुत्र। जब ये बात देवलोक में फैली तो इसी बात पर चारुदेव को उनके परिवार सहित देवलोक से बाहर कर दिया गया। जब देश निकाला मिला था तब साथ ही ये श्राप भी दिया गया था कि सूर्य की किरण अगर उन पर या उनके परिवार पर पड़ी तो वो जल जाएंगे। वो तो अपनी शक्ति से, अपने जादू से चारुदेव ने शीशे का महल बनाया जहां सूर्य की किरणों का आना वर्जित था। चारुदेव देवलोक के प्रति अपने कर्तव्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने देवों से समझौता किया। अगर आप लोग मुझे और मेरे परिवार को देवलोक में रहने देंगे तो मैं आप सभी को मेरी युद्ध कला सिखाऊंगा, जिससे आप लोग निपुण योद्धा बन जाएंगे। नहीं चतुर्देव, आपका परिवार यह महल नहीं छोड़ सकता। हम आप पर से अपना श्राप बस इतनी देर के लिए हटा सकते कि जितनी देर में आप देवलोक वापस पहुंच जाए। कहिए, क्या आपको यह स्वीकार है? सिर्फ इतना ही नहीं, आपको कुछ और भी करना होगा। हम सबके लिए बुराइयों से लड़ते हुए हमने कई देवों को खोया है। हम देव जरूर हैं लेकिन अमर नहीं। हमें अमर होने के लिए अपनी जीवन शक्ति को एक हथियार में डालना होगा, वो भी ऐसा हथियार जो किसी देव देह से बना हो, ऐसा तन जो सभी देवों से शक्तिशाली हो। उसके अलावा कोई भी हथियार देवों को ना मार सके, इसीलिए ये त्याग ये बलि आपको देनी होगी। इसलिए अपने दाहिने हाथ की उंगली काट कर आपको वो हथियार बनाना होगा, हमारे लिए, देवों के लिए। हम उसे कहीं सुरक्षित छिपाकर रखेंगे
जब कभी हमें उसकी जरूरत पड़े किसी दैत्य से लड़ने के लिए। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर आप लोग मेरे परिवार को ये नहीं बताएंगे कि मैं कब और कहां गया। बस इसी तरह चारुदेव अपने महल से चुपचाप निकलकर वापस देवलोक की तरफ भागे, लेकिन उस क्षण असीम उनके पुत्र ने उन्हें भागते हुए देख लिया और वो चिल्ला पड़ा, माँ पिताजी जा रहे हैं, हम भी जा सकते हैं, माँ जल्दी आ। असीम, माँ जल्दी आ। असीम चलो हम बाहर चलते हैं। मरने से पहले उस नागा स्त्री ने अपनी सारी शक्ति अपने बेटे असीम में फूंक दी, जिससे सूर्य की किरण असीम को हानि नहीं पहुंचा सकती थी। देव लोक में नहीं, धरती पे इस हथियार त्रिशूल को छिपाया। और उधर चारुदेव का पुत्र बस एक ही ख्याल में दिन रात पड़ा होता रहा कि वो अपनी मां की मौत का बदला लेगा। ओह, तो तुम चारुदेव के पुत्र हो और इसीलिए त्रिलोकी महाराज तुम्हें स्वर्ग भेजकर उसे मारने की अनुमति दे रहे हैं। तो जाओ, आर्यन का प्रतिरूप बनो और उसकी इच्छा शक्ति अपने वश में कर लो और उससे वो मणि ले लो। उसके बाद तुम अपना प्रतिशोध ले सकते हो। वचन देते हो? हाँ, वचन देता हूँ। आर्यन, तुम गए नहीं अभी तक, क्या हुआ? चारुदेव और असीम की कहानी ने परेशान कर दिया। अपने मॉम डैड को खोने का दुख क्या होता है ये मुझे अच्छे से पता है। मियाँ की अकेला हो गया हूँ, चाचू नहीं है, मनस्वी कैनेडा चली गई, बिस्सू अपनी लाइफ में मस्त है, और चाची अपने काम में बिजी। मुझसे बात करो आर्यन, बताओ क्या बात है। क्या कहूं मियाँ की, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जो रिया के लिए सोचता हूँ या फील करता हूँ वो उसे बोलूं या नहीं बोलूं, मतलब मैं उसे कैसे कहूं कि किसी के थ्रू बताऊं या क्या करूं? देखो आर्यन, जब भी आपको किसी से कुछ कहना हो तो जरूरी है बात करना, सब कुछ आपको खुद ही कहना पड़ता है। लेकिन कहीं उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? क्या फर्क पड़ता है आर्यन, वो तुमसे प्यार करे या ना करे। और हम किसी से प्यार इसलिए तो नहीं करते ना कि वो भी बदले में हमें कुछ दे, ये तो स्वार्थ हुआ। और प्यार में स्वार्थ कैसा? जाओ कह दो रिया से, जो कुछ भी मन में है बता दो उसे। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे पो असीम तप्पे सो।
सर आईडी प्लीज। आईडी। हसीन आर्यन और मनी के पास तो जाना है, पर इतने टाइम बाद ये जो मौका मिला है एंजॉयमेंट करने का, इसे मैं कैसे जाने दूं? एंजॉयमेंट तो मैं करके रहूंगा। Hey मैडम, आईडी, आईडी किधर है आईडी? How dare you? तुम मुझसे आईडी पूछ रहे हो? मैं यहाँ की ओनर हूँ, ओनर। मालकिन हूँ मैं। Hey मैडम, ज़्यादा शोर नहीं है, चलिए यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। What nonsense! Out! चले जाओ यहाँ से, वरना जेल भेज दूँगी। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड हैं। Help! कोई है? 6, 5, 4 हसीम वेलकम। आप सभी का सवाल जवाब में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे करप्शन के ऊपर और पूरा देश ये जानना चाहता है कि करप्शन है क्या। आइए हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। सबसे पहले हम पाटिल साहब से पूछेंगे। मैं और मेरी जनता ये जानना चाहती है कि अपोजिशन पार्टी ने आप पर जो इल्जाम लगाए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। अपोजिशन तो हमेशा ऐसे इल्जाम लगाते ही रहते। उनको किसने पूछा? तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? उठो, मुर्गा बनो। जब तुमसे कहा जाए तब तुम बोलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने बुलाया? पूरा देश जानना चाहता है। चुप रहो, तुम्हारी बकवास कोई नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी ओपिनियन किसी को नहीं सुननी, सबको मेरी आवाज सुननी है, सिर्फ मेरी आवाज। अबे क्या बकवास कर रहा है ये? टेलीकास्ट रोकना होगा यार। पागल है क्या? इससे तो टीआरपी और बढ़ेंगे, चलने दो। दर्शकों, मेरे इस बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना। एक्चुअली जब से मैंने ये डिस्टर्बिंग खबर सुनी है मैं थोड़ा पैनिक हो रहा हूँ। ठोस सबूतों से ये खबर आई है कि आकाश में मौजूद बहुत बड़ा उल्का, यानी आकाश में एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारी धरती की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, कि कुछ ही घंटों में ये पहाड़ हमारी धरती को तबाह कर देगा। क्या बोल रही? मैं अर्णव हमेशा के लिए अलविदा कहता हूँ। क्या हुआ आर्यन? वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। तने तुम भी ऐसा फील करती हो या नहीं? मतलब अरे तुम लोग यहाँ, वहाँ पूरा शहर डर के मारे पागल हो रहा है। किसी टीवी चैनल ने न्यूज़ दी है कि अंतरिक्ष से उल्कापिंड धरती पे गिरने वाला है। अगर ऐसा हो गया ना तो पूरी धरती खत्म हो जाएगी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो हमारे सोर्सेज ने कुछ भी नहीं बताया। इससे क्या फर्क पड़ता है? कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ, इट्स वेरी अर्जेंट। अगर उल्कापिंड इस शहर में हुआ तो कैसे भी करके इस रेडियो स्टेशन को बचाना होगा। पर सर, अगर ये दुनिया ही तबाह हो जाएगी तो ये रेडियो स्टेशन कैसे बचेगा? तुम चलो मेरे साथ, चलो आओ।
मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो फिर इतना बड़ा खतरा कैसे आ सकता है? याके तुमने सुना किसी टीवी चैनल ने क्या खबर फैलाई है? जरूर कोई पागल जर्नलिस्ट होगा। वो कोई पागल जर्नलिस्ट नहीं आ रहे, आई मीन पागल है पर जर्नलिस्ट नहीं है, वो असीम है, धरती पर आया है और अपनी प्रतिरूप यानी कि अपनी क्लोनिंग पावर्स का इस्तेमाल करके डर फैला रहा है। पर वो धरती पे क्यों है? तुम्हें क्या लगता है उसकी दुनिया से उसे फ्री करके यहाँ किसने भेजा होगा? त्रिलोकी, त्रिलोकी चाहता है कि असीम मेरा क्लोन बनाकर या फिर चाची का क्लोन बनाकर मुझसे मनी छीनने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली, लेकिन हो सकता है कि वो सिर्फ डुप्लीकेट बनकर ना रुके, हो सकता है कोई बड़ा कारनामा भी कर दिखाए। हम उसे ढूंढना ही होगा कुछ भी करके। कहना आसान है आर्यन, पर करना बहुत मुश्किल। असीम का नाम एक है पर चेहरे अनेक, तुम्हें अलर्ट रहना होगा। याकी, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, निकलो ऐसे अभी। एटीसी ऑफिसर को प्लेन के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, ये जरूर असीम ही होगा। एटीसी ऑफिसर का डुप्लीकेट बनके उसने एटीसी को ही टेक ओवर कर लिया। पायलट को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके एक्सीडेंट करवाना चाह रहा है। देखो, आर्यन ने प्लेन सीधा सिटी के ऊंचे टावर्स की तरफ बढ़ रहा है। हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसे पता है कि तुम यहाँ हो। निकलो यहाँ से। लेकर उस प्लेन को पकड़ता हूँ और अपनी पूरी शैल से उसको उस तरफ डाइवर्ट करता हूँ। यहाँ के तुम खामखा मेरे साथ आ गई, तुम पौंडा सर रिया और बाकी सबको लेकर यहाँ से निकलो। इतने सारे प्लेन्स, अब क्या करूं? इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी भेंट दे रहा हूँ जो आज तक मैंने किसी रक्षक को नहीं दिया, वायु पे नियंत्रण करने की और उसकी दिशा बोलने की शक्ति। आर्यन, तुम्हारे पास तो एक नई ताकत है, चारुदेव का गिफ्ट। नहीं मियाकी, अगर मैंने चारुदेव की दी पावर यूज कर ली तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, फिर मैं कभी उसे दोबारा यूज नहीं कर पाऊंगा। आर्यन, महारक्षक को इस वक्त जो प्रॉब्लम है सबसे पहले वो सॉल्व करनी चाहिए, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। ठीक है,
शांत रहिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए, शांत रहिए आप सब। यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं। अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड गिरने की खबर थी वो झूठी थी, कोई सरफिरा हाईजैकर था जिसको नेचर ने खुद ब खुद सजा दे दी। डोंट वरी। अच्छा, ये जरूर इनका बॉस है। चलो थोड़े मजे किए जाएं। सर प्लीज जल्दी आइए, एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। सर, हेलो सर, क्या हुआ सर, कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं। सर I'm sorry, one coffee. ओके सर। तो ये है महारक्षक। तुम्हें तोड़ना आसान नहीं लग रहा यंग बॉय, इसलिए त्रिलोकी ने मुझे यहां भेजा है। बहुत सख्त जान है। अब देखना यह है कि इस सख्त जान को पिघला कर पतला करके मैं पाताल में कैसे बहाता हूं। हाय डैड, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? रिया, तुम्हारे डैड दिखाई नहीं दे रहे। मैं उनके लिए कॉफी लेके आया था। आर्यन, तुम मुझे जो कहना चाहते हो मैं जानती हूं। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। आई लव यू आर्यन। मुझे पता नहीं था कि तुम भी अब... आर्यन मेरी आंखों में देखो। ये सब इतना आसान नहीं होगा। ये सीम्स अनयूजुअल, ये कोई मामूली जान नहीं है। जरूर नया दैत्य असीम है। आर्यन,
इतनी हसीन गलती कैसे हो गई मुझसे? अब स्वर्ग सिर्फ कुछ ही कदम दूर है। मुझे नहीं बता दे अब मैं क्या करूं? यदि असीम पृथ्वी पर है तो वो त्रिशूल ही ढूंढ रहा होगा। हमें असीम को रोकना होगा। मियाकी, इस आर्यन रूपी असीम को तुम्हें रोकना है, उसे समझाना है, मनाना है कि वो ऐसा ना करे, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुमने ऐसा कभी नहीं किया आर्यन। रियली? मियाकी, ये मैं क्या करने वाला था? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मियाकी, कोई बात नहीं आर्यन, जब जागो तब सवेरा। पिताश्री नहीं, चारुदेव, अब आपका इंतजार करना।